नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिसने अपनी वीरता के बल पर दिल्ली पर शासन किया, जो एक साधारण परिवार से आते हैं और प्रधानमंत्री तथा सेनापति की पदवी तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हेमचंद्र विक्रमादित्य की। ये अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था। आइए हम इनके आरंभिक जीवन से वीडियो को शुरू करते हैं। हेमू इनका बचपन का नाम था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1501 ईस्वी में अलवर राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम राया पूर्णमल था, जो उस वक्त पुरोहित थे। बाद के समय में मुगलों द्वारा पुरोहितों को परेशान करने की वजह से राया पूर्णमल रेवाड़ी हरियाणा में आकर बस गए और नमक का व्यवसाय करने लगे। अपनी छोटी आयु से ही हेमू शेरशाह सूरी के लश्कर को अनाज एवं पोटेशियम नाइट्रेट उपलब्ध कराने के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाने लगे थे। सन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर काबुल लौट जाने के लिए विवश कर दिया था। हेमू ने उसी वक्त रेवाड़ी में धातु से विभिन्न तरह के हथियार बनाने के काम की नींव रखी थी, जो आज भी रेवाड़ी में पीतल, तांबा, इस्पात के बर्तन के आदि बनाने के काम के रूप में जारी है। शेरशाह सूरी की वर्ष 1545 में मृत्यु हो जाने के बाद इस्लाम शाह सूर ने उनकी गद्दी संभाली। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक अक्षमता को पहचान लिया और उसे व्यापार एवं वित्त संबंधी कार्यों के लिए अपना निजी सलाहकार नियुक्त कर लिया। हेमू ने भी अपनी योग्यता को सिद्ध किया और इस्लाम शाह सूर का विश्वासपात्र बन गया। इस्लाम शाह हेमू से हर मसले पर राय लेता था। हेमू के काम से प्रसन्न होकर हेमू को त्रोगा चौकी बना दिया और उच्च पद प्रदान किया। बाद में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्ष के अल्प वयस्क पुत्र फिरोज शाह को उसी के चाचा के पुत्र आदिल शाह सूर ने मार दिया और राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। आदिल शाह अयास और शराबी व्यक्ति था। उसे शासन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस समय संपूर्ण अफगान शासन प्रबंधन जो था हेमू के हाथ में ही आ गया था। सेना के भीतर से भी हेमू का जो विरोध हुआ, किंतु उसने अपने सारे विरोधियों को पराजित कर शांत कर दिया। उस समय तक हेमू की सेना के अफगान सैनिक, जिनमें से अधिकतर का जन्म भारत में हुआ था, अपने आप को भारत का निवासी मानने लगे थे और वे मुगल शासकों को देसी मानते थे। इसी वजह से हेमू हिंदू एवं अफगान दोनों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। हुमायूं, जो कि पहले 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा हरा कर खदेड़ दिया गया था, उसने दोबारा हमला करके शेरशाह सूरी के भाई को युद्ध में परास्त किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस समय अफगान सरदार आपस में संघर्ष कर रहे थे और हेमू बंगाल में अव्यवस्था को दूर करने में व्यस्त था। लेकिन इसी समय 7 महीने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई और अब हेमू ने दिल्ली की तरफ रुख किया और रास्ते में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की कई रियासतों को फतेह किया। आगरा में मुगल सेनानायक इस्कंदर खान उजबेक को जब पता चला कि हेमू उनकी तरफ आ रहा है, तो वह बिना युद्ध किए ही मैदान छोड़कर भाग गया। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में हेमू ने तर्दीबेग खान को हरा कर दिल्ली पर विजय हासिल की। यहीं हेमू का राज्याभिषेक हुआ और उसे विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। लगभग 3 शताब्दियों के मुस्लिम शासन के बाद पहली बार कोई हिंदू दिल्ली का राजा बना। भले ही हेमू का जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ और उसका पालन पोषण भी पूरे धार्मिक तरीके से हुआ था, किंतु वह सभी धर्मों को समान मानता था। इसलिए उसकी सेना के अफगान अधिकारी उसकी बुरी इज्जत करते थे और इसलिए भी क्योंकि वह एक कुशल सेनानायक साबित हो चुका था। पानीपत के युद्ध से पहले अकबर के कई सेनापति उसे हेमू से युद्ध करने के लिए मना कर चुके थे। हालांकि बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक भी था, उसने अकबर को दिल्ली पर नियंत्रण के लिए हेमू से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। जब हेमू का मुगलों से युद्ध हुआ, तो पश्चिम से बैरम खान के नेतृत्व में अकबर ने उसे रोका। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू और मुगल सेना में युद्ध हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में हेमू की विशाल सेना के सामने मुगल सेना तुच्छ थी। शौम हेमू हवाई नामक एक विशाल हाथी पर सवार होकर सैन्य संचालन कर रहा था। मुगल सेना में दहशत थी। बैरम खान ने अकबर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ और वह शौम सेना लेकर आगे बढ़ा। युद्ध के मैदान में हेमू ने अपने 1500 हाथियों को मध्य भाग में बढ़ाया। इससे मुगल सेना में हड़बड़ी मच गई और ऐसा जान पड़ा कि हेमू की सेना मुगलों को रौंद देगी। एक समय ऐसे लगने लगा कि हेमू की विजय निश्चित है, किंतु उसी समय बैरम खान की कूटनीति चल गई और उसने युद्ध का पासा पलट दिया। बैरम खान ने अपने कुछ चुने हुए सैनिकों को हेमू की आंख को निशाना बनाने का आदेश दिया।
सैनिकों ने यही किया और हेमू की एक आंख में तीर लगा और वह हाथी से नीचे गिर गया। सेना में भगदड़ मच गई। हेमू का महावत उसके हाथी हवाई को भगा कर ले जा रहा था, किंतु मुगल सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। हेमू को गिरफ्तार करके अकबर के सामने लाया गया। तब बैरम खान ने अकबर से कहा कि हजरत इसे मारकर गाजी की उपाधि धारण करें, लेकिन अकबर इस कार्य के लिए राजी नहीं हुआ। तब बाद में बैरम खान ने ही हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। हेमू की हवेली। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट और पानीपत की दूसरी लड़ाई के नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य की 600 वर्ष पुरानी हवेली वर्तमान में जर्जर हाल में है। रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ले में स्थित इस हवेली की हालत दयनीय है। इतिहास की यह धरोहर समाप्त होने के कगार पर है। हेमू को मध्यकाल का नेपोलियन कहा जाता है। उसके गौरवपूर्ण पहलू की तमाम स्मृतियाँ इस हवेली से जुड़ी हुई हैं। 2.5 मंजिली प्राचीन कलात्मक कारीगरी की जीती जागती मिसाल है। कलात्मक मुख्य द्वार, नक्काशी से सजी दीवारें तथा दुर्लभ पत्थरों पर आकर्षक कारीगरी अन्यायसी से प्रभावित करती है। अंदर प्रवेश करते ही वर्गाकार चौक स्वागत करता है। चारों ओर कलात्मक नक्काशी मन मोह लेती है। ब्रह्मदेव कक्ष की विशालता से कभी रही इसकी भव्यता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।